हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बर्डी। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध हमेशा की तरह अपने आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। तभी प्रवचन ख़त्म होने के बाद उनके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं कई दिनों से आपके आश्रम में प्रवचन सुनने के लिए आ रहा हूँ, मगर मैं खुद को बदल नहीं पा रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध कुछ सोचते हैं, फिर उससे सवाल पूछते हैं, क्या तुम घर पर बैठकर ही मेरे आश्रम आ सकते हो? तो वो सिर हिलाकर मना कर देता है। फिर एक बार गौतम बुद्ध पूछते हैं, क्या तुम मेरे आश्रम में बैठकर ही घर जा सकते हो? तो वो व्यक्ति एक बार फिर कहता है कि नहीं। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है, जब तुम घर पर बैठ कर ही आश्रम नहीं आ सकते और आश्रम में बैठ कर ही घर नहीं जा सकते, तो तुम अपने लक्ष्य को एक जगह पर खड़े होकर कैसे पा सकते हो? मैं तुम्हें प्रवचन से सिर्फ बाहरी ज्ञान दे सकता हूँ, उस ज्ञान को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना ही पड़ेगा, तभी तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। प्रवचन से मैं तुम्हें कठिनाइयों को सहने की ताकत दे सकता हूँ, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत दे सकता हूँ, मगर कठिनाइयों का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें ही दृढ़ निश्चय से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ेगा। वो आदमी गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर समझ जाता है और फिर कभी भी उनके प्रवचन सुनने के लिए नहीं आता है। आई होप इस वीडियो को आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आज मैंने आपको वो स्टोरी सुनाई है जिसे आप अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और उसको ही देखकर सब कुछ पा लेना चाहते हैं, मगर नहीं, आपको ही अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करना होगा। मोटिवेशनल वीडियो आपको सक्सेस नहीं दे सकती। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वो भी मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।